दोस्तों लुकस के पिता और उसका छोटा भाई जॉम्बी बन चुके हैं। वो किसी इंसान को मार के खाना जाए इसलिए लुकस उन्हें घर में बंद रखता है और जानवरों को मार के उन्हें खाने के लिए देता रहता है। लेकिन लुकस की स्कूल प्रिंसिपल को खाने के बाद उसके पिता एक बड़े मॉन्स्टर में बदल गए हैं और घर से भागकर लोगों को खाने लगे हैं। स्कूल से घर आते समय लुकस के सामने माइक होता है जो स्कूल में उसे काफी परेशान करता था, और आज फिर से माइक लुकस को परेशान करने आया है। लेकिन तभी लुकस के मॉन्स्टर पिता वहाँ आ जाते हैं, जिसे देख दोनों बच्चे डर जाते हैं और लुकस तुरंत वहाँ से भाग जाता है। पर डर के मारे माइक हिल पाता नहीं है, जिसे मॉन्स्टर मार देता है। घर आने पर लुकस को प्रिंसिपल की कार दिखती है और घर के अंदर ढेर सारा खून। लुकस समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर उसके पिता थे जिन्होंने माइक को और उसकी प्रिंसिपल को मार डाला। तो लुकस जल्दी से प्रिंसिपल की कार छुपाकर घर में फैला खून साफ करने लगता है। लेकिन अगले दिन जूलिया को पता लगता है कि स्कूल की प्रिंसिपल गायब है और उसे लुकस पर शक होता है, क्योंकि जूलिया ने एक दिन पहले ही प्रिंसिपल को लुकस की कॉपी में बनी डरावनी मॉन्स्टर की ड्राइंग दिखाई थी। अब लुकस के घर जाने पर उसे प्रिंसिपल की कार वहां दिख जाती है, तो जूलिया पुलिस को फोन कर देती है और पुलिस को घर के अंदर प्रिंसिपल और लुकस के पिता के बीच में से फटी लाश दिखती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर लुकस के पिता के शरीर को फाड़कर बाहर आया था।